सबसे पहले तो मैं यहाँ पर आए हुए सभी मीडिया के जो हजरात हैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि अब हमारे एक शॉर्ट नोटिस पर आप लोग यहाँ पर तशरीफ़ लाए। आज के हमारे जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो लद्दाख के रिजर्वेशन पॉलिसी को लेकर है और द्रास के कुछ मसाइल को लेकर है, जिसमें जैसा कि आप जानते हैं जब से हम अलग यूटी बने हैं लद्दाख ने एक रिजर्वेशन पॉलिसी बनाई जिसमें एसटी को 45%, एससी को 1% और फिजिकल हैंडीकेप्स को 4% कोटा रखा गया था और रीजंस ऑफ एडिक्टिंग एक्चुअल लाइन ऑफ कंट्रोल जिसको हम एएलसी के नाम से जानते हैं जो हमको दिया गया था, हमारे एसटी सर्टिफिकेट को ऐसे ही रखा गया और नया भी बन रहा है। लेकिन हमारा एएलसी जिनके पास था इनके साथ बहुत नाइंसाफी हो रही है, ना इसके पुराने को माना जा रहा है और ना ही नया बन रहा है। वजह ये बताई जा रही है कि जो गांव एएलसी में आते हैं इसको दोबारा इन्वेस्ट किया जाएगा और इसके बाद सर्टिफिकेट दिया जाएगा। इसके बाद अभी तक इस पे कुछ काम नहीं हुआ है ये बोलकर हमें पिछले 5 साल से टाला जा रहा है, जिसकी वजह से ज़्यादा नुकसान जो है हमारे बॉर्डर एरियाज़ के पढ़े लिखे लोगों को, बच्चों को हो रहा है, जैसे कि द्रास, बटालिक और लेह डिस्ट्रिक्ट में तुरतुक, चंगथंग जैसे इलाके के बच्चों को इसकी वजह से बहुत नुकसान हो रहा है। इसके बाद यूटी का एक ऑर्डर आता है 19/10/2023 को, 3 साल के बाद यूटी नींद से जाके एक कमेटी बनाती है जिस कमेटी को जस्टिस बंसल की निगरानी में जिस कमेटी को जस्टिस बंसल की निगरानी में जिसका ये काम होता है कि वो एएलसी के एरियाज को आइडेंटिफाई करके इस कमेटी को जो है एएलसी के एरियाज को आइडेंटिफाई करे। मेरे पास वो ऑर्डर भी है जो इसको बना है, मैं इसकी कॉपी भी मीडिया पे दिखाना चाहूँगा, आप लोग इसको थोड़ा सा लोगों को दिखाएं। इसके बाद इस कमेटी को ये बोला गया कि आप जो है पहले इंटरम रिपोर्ट 3 महीने के अंदर अंदर सबमिट करना, जो कि 10/2023 तक होता है। इस ऑर्डर में यह भी लिखा हुआ होता है कि फाइनल रिपोर्ट 31/3/2024 से पहले पहले सबमिट किया जाए। हमारा सवाल यह है कि रिपोर्ट सबमिट हुआ है या नहीं हुआ है, अगर सबमिट हुआ है तो वो किन लोगों से मिलकर हुआ है, किन लोगों से मिलकर इस जो है रिपोर्ट को बनाया गया, क्योंकि हमारे जहाँ तक हमारी नॉलेज में है हमारे काउंसलर्स, हमारे बीडीसीज, हमारे सरपंच किसी को भी इसका इल्म नहीं है। अगर रिपोर्ट सबमिट नहीं हो रही है तो इसकी क्या वजह है, क्यों नहीं हो रही है, कहीं इसके पीछे कोई साजिश तो नहीं है, द्रास और दिगर बॉर्डर के लोगों के साथ कोई बड़ी साजिश रची तो नहीं जा रही है। हमारा यूटी एडमिनिस्ट्रेशन से ये भी एक सवाल है, अभी तक जो भी पोस्ट निकले हैं जैसे कि एसएससी के 700 पोस्ट निकले थे और डीएसएसआरबी के जो भी पोस्ट निकले थे इसमें एएलसी का कोटा क्यों नहीं भरा गया, हमारे बच्चों के पास जो एएलसी सर्टिफिकेट था पहले इसको क्यों नहीं माना गया, इसकी वजह बॉर्डर के बच्चे जो बॉर्डर में बच्चे रहते हैं वो बहुत ही परेशानी में है क्योंकि इनका हक जो है इनको नहीं मिल रहा है। यूटी एडमिनिस्ट्रेशन से हमारी यही मांग है कि आइंदा जो भी पोस्ट यूटी लेवल पे या डिस्ट्रिक्ट लेवल पे निकले इनमें एएलसी कोटा जिस तरह से रिजर्वेशन रोस्टर में है इसी तरह से आना चाहिए और हमारी गुजारिश है कि जल्द से जल्द एएलसी सर्टिफिकेट लद्दाख में इशू किया जाए और इसके असल हकदार को इसका हक जो है मिलना चाहिए। ऐसा ना हो कि एएलसी के नाम पर दूसरे जगहों को भी जो है शामिल करके इसके असली हकदार का हक जो है इससे छीना जाए। अभी तक एएलसी के एरिया को क्यों नहीं इनलिस्ट किया गया, बॉर्डर तो पहले भी वही था आज भी वही है, जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट ने इसको डिफाइन करके एएलसी सर्टिफिकेट जो है इशू किया था, हमारे बहुत सारे बच्चों को इसका फायदा भी मिला था। हमें समझ में ये नहीं आ रहा है कि यूटी गवर्नमेंट को इतना वक्त किस लिए लग रहा है। क्वेश्चन तो फर्दर क्या स्टेप रहेगा आप लोगों का इस इशू को लेकर? हम यूटी एडमिनिस्ट्रेशन ये बात जो है ध्यान से सुन ले कि एएलसी सर्टिफिकेट के साथ कोई भी छेड़छाड़ होगा हम कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे, हमारी नज़र इस ऑर्डर पर है और हम इसका इंतज़ार कर रहे हैं। हम गुजारिश करते हैं कि जल्द से जल्द इस सर्टिफिकेट को इशू किया जाए और अगर हो सकता है तो आबादी को देखकर इसका कोटा जो है 4% से बढ़ाकर 6% या 8% किया जाए। जहां तक द्रास की बात है 1999 की जंग की वजह से हमारे यहाँ जनरेशन एक जनरेशन पूरी तरह से खराब हो गई,
लेह की तरह हमारे पास टूरिज्म हो टूरिज्म भी नहीं है, पहाड़ों पर ट्रैकिंग कैंपेनिंग वगैरह का काम भी नहीं होता है। आज भी आर्मी का रिस्ट्रिक्शन है, ना हमारे पास एग्रीकल्चर है, ना हमारे पास कोई फैक्ट्रीज है, तो और हमारे पास कोई भी आमदनी नहीं है। तो द्रास दुनिया का दूसरा सर्वतरीन इलाका है, इसलिए हमें ALC की सख्त ज़रूरत है ताकि बच्चों को पढ़ाई मोटिवेशन इस पढ़ाई के लिए एक मोटिवेशन मिलेगा। द्रास के लिए एक हो सकता है तो स्पेशल डेवलपमेंट पैकेज एक मिलना चाहिए, जिस तरह हमारे पास चंगथंग स्पेशल डेवलपमेंट पैकेज के नाम पर एक पैकेज दिया जाता है, द्रास के लिए भी हो सके तो उस तरह का एक जो है पैकेज मिलना चाहिए। और हो सके तो द्रास में एक सेंट्रल जो है स्कूल भी खुलना चाहिए, जैसे KV JNV की तरह एक स्कूल है, उस तरह एक खुलना चाहिए। और हमारी लास्ट UT एडमिनिस्ट्रेशन से यही मांगे कि जितना जल्दी हो सके ALC सर्टिफिकेट को, ALC एरियाज को नोटिफाई करके और ALC सर्टिफिकेट को जो है जल्द से जल्द इशू किया जाए। शुक्रिया सर। साहब सबसे पहले तो मैंने यही सवाल जो है जो हमारे बीडी मिश्रा साहब को किया था, जो पहली बार दौरे में करीब आए थे, उन्होंने ये कहा कि मैं सिटी करने दो, मैं देखूंगा। इसके बाद जब दूसरी बार सवाल किया, उन्होंने आपकी वाली बात कहा कि 3 महीने के अंदर हमारी कमेटी जवाब देगी, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह आप एक एक्टिव मेंबर हैं। तो इस दौरान आपने कई कंसर्न जो सेक्रेटरीज से उनसे कई बात हुई या नहीं हुई अभी तक क्या रिजल्ट है, तो आपने कभी मतलब अपनी पार्टी लेवल पर या अपनी लेवल पर आपने पता किया या नहीं किया? जहाँ तक मैं जिया साहब आपको यही बात कहता हूँ कि ये जो ऑर्डर इशू हुआ था, हम इसी ऑर्डर का इंतज़ार कर रहे थे। जस्टिस बंसल जी की निगरानी में ये जो कमेटी बनी थी, हमें उम्मीद था ये कमेटी जो है जल्द से जल्द अपना जो रोल है वो निभाएगी और इसको जो है तश्कील देगी, लेकिन नसीबी की बात यही है कि इस कमेटी का ना ही कोई मेंबर जो है हमारे बॉर्डर एरियाज के लोगों के साथ मिलता है। खासतौर पे मैं द्रास से बिलोंग करता हूँ, मैंने हमारे वहाँ के एग्जीक्यूटिव काउंसलर्स, वहाँ के BDCs और वहाँ के सरपंच या आम लोगों से ये जानने की कोशिश की कि क्या कोई आदमी कभी कोई कमेटी आपसे बात करने आई, तो बड़े अफसोस की बात है कि अभी तक कोई भी कमेटी उनके पास नहीं आई है। और दूसरी ये बात है कि 31 तक इनको लास्ट जो है ये दिया जाता है, टाइम दिया जाता है, लेकिन अभी तक कोई भी गवर्नमेंट ऑर्डर जो है इस पे नहीं आया है, हम उसी का इंतज़ार कर रहे हैं। हमें उम्मीद है UT एडमिनिस्ट्रेशन जल्द से जल्द, आज हमारे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का मकसद ही यही है कि इस ऑर्डर को लेट होने की वजह क्या है ये हम जानना चाहता है। इसके बाद मैं उम्मीद करता हूँ हम कोशिश करेंगे कि गवर्नर साहब से भी हम जो है अगर हमारी इस ये प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद भी कोई जो है एक्शन नहीं होता है तो हम गवर्नर साहब से भी जाके मिलने की कोशिश करेंगे, और हमारी यही कोशिश है कि जल्द से जल्द जो है इन एरियाज को आइडेंटिफाई किया जाए। थैंक यू। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल कारगिल टुडे, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोस, लाइक अस ऑन फेसबुक एंड फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम। कीप वॉचिंग कारगिल टुडे, कीप एंजॉयिंग कारगिल टुडे, द ओनली वॉइस ऑफ कारगिल लद्दाख।